आगे बढ़ेंगे, एक अहम मामले के हवाले से बात करेंगे। कब्जा माफिया मंशा बम को जमीन निगल गई या आसमान खा गया, पुलिस मंशा बम का सुराग लगाने में ताहाल नाकाम है। चार बेटों समेत नाम ECL में शामिल कर लिया गया। मंशा बम को जल्द गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाएगा। DIG ऑपरेशंस का मौकफ है। इसी हवाले से तफसीलात जानने के लिए रुख करते हैं, चीफ रिपोर्टर मुजाहिद शेख हमारे साथ मौजूद है। जी मुजाहिद शेख बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, जो कब्जा माफिया का एक बड़ा सरगना जो मंशा बम है उसे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गिरफ्तार करने का भी हुक्म दिया गया है और कई रोज गुजरने के बावजूद इसकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। लेकिन इसकी तस्वीर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है उनके साथ भी मंजर आम पर आई है। लेकिन पुलिस की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है कि मंशा बम और उसके चार बच्चों का नाम जो है वो ECL में डाल दिया गया है ताकि वो मुल्क से बाहर फरार ना हो सके। लेकिन दूसरी जानिब जो SP सदर हैं उनकी जानिब से ये दावा किया था कि चंद रोज में मंशा बम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन कई रोज गुजर जाने के बावजूद अभी तक उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। DIG ऑपरेशन का कहना है कि मंशा बम को जल्द गिरफ्तार करके अदालत में पेश करें। बहुत शुक्रिया चीफ रिपोर्टर मुजाहिद शेख, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।